नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक हिंदी में। दोस्तों, हिस्टोरिक हिंदी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन की। तो आइए जानते हैं सर आइजक न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सर आइजक न्यूटन एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले गति के तीनों नियमों का पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली तथा प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले पता लगाया कि श्वेत रंग वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनता है। 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव के खेतों में बने एक छोटे से घर में एक कमज़ोर से बालक ने जन्म लिया। एक ऐसा नन्हा बालक जिसे जन्म के समय डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि यह बालक शायद ही ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाए, परंतु जब वह बड़ा हुआ तो उसने संसार की तमाम मान्यताओं को बदल कर रख दिया। वह बालक था आइजक न्यूटन, आज भी जिसकी गिनती इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में की जाती है। न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। वे एक समृद्ध किसान थे, उनका नाम भी आइजक न्यूटन था। न्यूटन का जन्म समय से पहले हो गया था, इस वजह से वो काफ़ी कमज़ोर थे। 12 से 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने द किंग्स स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की, जहां पुस्तकालय की एक खिड़की पर उनके हस्ताक्षर आज भी देखे जा सकते हैं। स्कूल में वे अधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे, लेकिन चित्रकला और मशीनरी में उनको विशेष रुचि थी। यह देखते हुए उनके चाचा ने 19 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन करा दिया। न्यूटन को अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कॉलेज के मित्रों और धनी छात्रों के यहाँ काम करना पड़ता था। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थीं, लेकिन न्यूटन आधुनिक दार्शनिकों जैसे डेस्कार्टस और खगोलविदों जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना चाहते थे। एक बार वे छुट्टियां बिताने अपने गांव वूल्सथॉप आए हुए थे। इसी गांव में उनकी माँ का एक सुंदर सा बागीचा था। एक दिन न्यूटन अपने बागीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तभी अचानक एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। उनके मन में यह विचार आया कि यह सेब सीधा ज़मीन पर ही क्यों गिरा, यह ऊपर दाएं या बाएं क्यों नहीं चला गया, शेष दूसरी वस्तुएं भी ज़मीन की ओर ही क्यों गिरती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निश्चित ही सेब का ज़मीन पर गिरने का कोई विशेष कारण है, निश्चित रूप से कोई बल उसे भूमि की ओर खींच रहा है। यही नहीं, एक फूल की छोटी सी पंखुड़ी से लेकर विशाल तारों तक के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल है। बाद में इसी आधार पर न्यूटन ने विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक आकर्षण बल द्वारा खींचती है, जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सन 1665 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन किया और सौभाग्यवश उस कॉलेज में उन्हें गणित के जाने माने प्रोफेसर आइजक बैरो के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने न्यूटन की प्रतिभा को पहचान लिया था। इसके बाद 27 वर्ष की उम्र में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। बाद में न्यूटन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। न्यूटन ने ब्रिटिश सरकार की वार्डन और मास्टर ऑफ द रॉयल मिंट बनकर सेवा की। न्यूटन ने प्रकृति के अनेक अनजाने रहस्यों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो देखने में सफ़ेद लगता है, वास्तव में वह बैंगनी, जामुनी, पीले, नीले, हरे, संतरी तथा लाल 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों को एक प्रिज्म की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है। इन 7 रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनाया जा सकता है। न्यूटन की डिस्क को घुमाने से 7 रंग सफ़ेद रंग में बदल जाते हैं। आइजक न्यूटन ने ऐसी दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश लेंस से गुजरने के स्थान पर दर्पण से परिवर्तित होता है। उनकी दूरबीन में 2.5 सेंटीमीटर का दर्पण लगा था। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली। न्यूटन ने अपनी खोजों को 2 पुस्तकों के रूप में छपवाया। प्रकाश से संबंधित उनके आविष्कार ऑप्टिकस नामक पुस्तक में छपे थे तथा दूसरे आविष्कार फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक में, जो कि सन 1687 में प्रकाशित हुआ। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी न्यूटन खगोलीय पिंडों से संबंधित खोज कार्यों में लगे रहते थे। 84 वर्ष की उम्र में भी वो रॉयल सोसाइटी की एक मीटिंग की अध्यक्षता करने गए, लेकिन लौटने के दौरान वे बीमार पड़ गए। 31 मार्च 1727 को उनका देहांत हो गया।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आइजक न्यूटन अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके महान योगदान के लिए लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।